वर्कशॉप्स होंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप्स, ये लोग टाइम निकाल के आ रहे हैं, आमोद आए हैं, तो ऐसे जो इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप्स है, जो मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में वो निकल जाते हैं, यू नो जो फियर होता है, गलत अफवाहें होती है ना, वो सब चेंज हो जाता है, चेंज होता है। और लोग एक्सरसाइज फिटनेस सीरियसली लेते हैं, एंड इवन समथिंग लाइक अ टैबू टॉपिक जो अभी टैबू है कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके जो लोगों को लगता है साइड इफेक्ट्स होते हैं, मौत हो जाती है, वो नहीं है ऐसे, ये क्लियर हो जाता है। बात ऐसा है कि सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो फंक्शनल भी होते हैं। अभी समझो एक औरत का ब्रेस्ट बहुत बड़ा होता है तो उनका गला में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, ब्रास स्ट्रैप यू नो कट होता है, फंगल इन्फेक्शंस होता है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है क्योंकि लोग सब चिढ़ाते हैं, बड़े बड़े ब्रेस्ट हैं करके लोग चिढ़ाते हैं। तो हम जब सर्जरी करके उसका छोटा करते हैं और शेप में लगाते हैं तो उनका बैकएक, स्पॉन्डिलोसिस सब कुछ कम हो जाता है, उनका फंगल इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, हाइजीन मेंटेन कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स नहीं लगता है। मैंने एक बच्चे का भी किया है जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी क्योंकि वो डिप्रेस थी, सर्जरी करवा के अभी चीज़ टोटली। सो इट इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फैशन के लिए नहीं है। गलत ऐसा स्टोरीज फैलाया गया है कि ये सब फैशन के लिए है, ये फैशन के लिए नहीं है। लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे जी, सारी जो अफवाहें होती है उसे किस तरीके से लोग लें? तो बात यह है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में सब ना फॉलो करें और जाके डॉक्टर से मिलके पूछ लें, उसके बाद अपना डिसीजन जो है उसके बाद ही लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देखें या किसी स्टोरीज पे देखें, अब सब लोग बता रहे कॉस्मेटिक सर्जरी करेगी तो मर जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप अपेंडिक्स सर्जरी भी करोगे तो मरने का चांसेस है, उसमें भी तो सेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कम कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। एंड दिस इज़ लाइक अ एक्सटेंशन, क्या होता है अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगर आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज करें, यू नो अच्छी चीज़ें खाएं, इट्स नॉट नेसेसरी एक्सपेंसिव। अगर किनोआ किनोआ बोलते हैं सब, राजगिरा इज़ मच बेटर देन किनोआ, सिर्फ किनोआ इम्पोर्टेड है, इसके लिए वो मार्केटिंग गिमिक है, पर अपने जो चीज़ें हैं वो भी है, राजगिरा है,
कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं एज ओल्ड जो आप खा सकते हैं, भाकरी खा सकते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू हैव लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट. तो दिस बिकम्स अ सप्लीमेंट्री टू इट, यू नो, एंड इफ यू कंबाइन बोथ यू गेट गुड रिजल्ट. आप जानते हो किनवा घोड़े को खिलाता है, देख लीजिए. एंड वन वेरी गुड पॉइंट जो है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है, एवरीबडी इज़ अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एवरीबडी इज़ अ डाइटिशियन. यू नो, खुद ने वेट लॉस किया, मैं डाइटिशियन बन गई. ऐसे नहीं होता है, बिकॉज हर एक बॉडी अलग होती है. हर एक को, कई जनों को डायबिटीज़ होती है, कई जनों को हार्ट ट्रबल होता है, कितने अलग अलग चीज़ें होते हैं, थायराइड होता है, देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. और उस हिसाब से डाइट दिया जाता है. अगर मैं आपको बोलूँ उठकर 5 बजे खाना खाओ और आप उठ रहे हो 12 बजे क्योंकि आपका नाइट शिफ्ट है, तो आप ये डाइट फॉलो ही नहीं कर सकते. सो दिस इज़ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, थैंक यू. आई कैन ईट वेरी गुड.